हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए जो है हम छत्तीसगढ़ के जो है जीके जो है मॉडल पेपर यहां पे कवर करा रहे हैं, जो कि आपके सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम हो, व्यापम का, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, महिला परीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, मतलब हर एक एग्ज़ाम में जो है यह जो क्वेश्चन आपका काम आने वाला है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जीएस सभी एग्ज़ाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन, पिछले पार्ट को बढ़िया जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ जितना एमसीक्यू और जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होते जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू क्वेश्चन करते चलिएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग मैं कम्प्लीट जो है कोर्स जो कि यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट मैं करा दिया हूँ। अभी जो है छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्यकार के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज लास्ट पार्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चलिए सेशन को। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई जो पटेल सहकारी शक्कर खान जो शक्कर कारखाना है, यहाँ पे कहाँ पे स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में? विशेषरा में, करकाभाठा में, रामेपुर में, या आपका केरता में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शक्कर जो कारखाना है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? तो विशेषरा जो ग्राम है, विशेषरा जो ग्राम है यहाँ पे जो है स्थित है। विशेषरा ग्राम पंडरिया में आपका स्थित है, ये आपका कवर्धा जिला के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो कवर्धा जिला इसका करेक्ट आंसर, पीएससी में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो कवर्धा में आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना है, और 2016 से, याद रखिएगा, 2016 में जो इसकी स्थापना किया गया है, और लगभग जिसमें अपशिष्ट पदार्थ से जो है 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी इसके किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए, आपका टेट वगैरह भी व्यापम के क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे तो है जो बीएनसी जो काटन मिल है 1892 में इसकी स्थापना किया था राजनांदगांव में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है, या आपके इसकी जो स्थापना मार्च 2003 में स्थापना किया गया है, कहाँ पे है? तो रामेपुर कवर्धा में है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है, और शक्कर के उत्पादन के साथ आपका 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शक्कर कारखाना कौन है, तो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना है, कहाँ पे है? रामेपुर कवर्धा में है, 2003 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रॉड गेज रेल सेवा का जो प्रारंभ कब से किया गया है? 20 फरवरी 1884 को, 27 फरवरी 1888 को, 27 नवंबर सन 1888 को, या 27 नवंबर 1988 को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो है ब्रॉड गेज जो रेल सेवा का जो प्रारंभ यहाँ पे 27 नवंबर सन 1988 से जो है इसका प्रारंभ किया गया, और देखेंगे सन 1882 में जो है आपका राजनांदगांव से नागपुर तक के यहाँ पे गेज लाइन की नींव भी रखी गई थी, और सर्वप्रथम इसका जो संचालन 27 नवंबर यहाँ पे 1888 में यहाँ पे बंगाल नागपुर के मध्य यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना कब किया था जी? बिलासपुर रेल मंडल की जो स्थापना है सन 1900 में जो है इसकी स्थापना किया था, कलकत्ता रेलवे के अधीन यहाँ पे किया गया है। छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की जो कुल लंबाई देखेंगे तो लगभग 1196 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है, और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है ये आपका बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखेंगे जो आपका भारत का 16वां क्रम का जो है रेलवे जोन है, इसको याद रखिएगा। और जो है इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 2003 में जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, ये है हमारा छत्तीसगढ़ का, 2003 में जो इसकी स्थापना किया था, इसका हेडक्वार्टर आपके बिलासपुर में है। तो बात ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, जितना हो सके जब जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसको मैं यहाँ पे कवर कराते जाऊँगा, एक तरह का आपका रिवाइज भी होगा, और आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये आपका दोनों काम आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? यहाँ पे कौन सी मिट्टी बोला जा रहा है? लाल दोमट मिट्टी, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ की जितने भी छत्तीसगढ़ की कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती, कौन सी फसल में होती है, कौन से जिले में कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती, पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी कौन से जिले से प्राप्त होती है? कबीरधाम, कवर्धा से, कोरिया, बस्तर, या आपका धमतरी से? तो कौन से जिले में जो है आपका लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका
बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा जो सुकमा क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये आपका 10 से जो है 15% या सबसे कम मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। इसका जो विस्तार कहाँ पे है, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार है। और इसका जो रंग लाल दोमट मिट्टी जो है, इसके लाल रंग याद रखें लव है से कि मतलब यहाँ पे अधिकता के कारण यहाँ पे इसका रंग लाल होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे जल धारण क्षमता इसमें सबसे कम पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में, लाल दोमट मिट्टी में। और ये मिट्टी जल के यहाँ पे कमी के कारण यहाँ पे पत्थर के समान आपका कठोर होता है, ठोस होता है। तो इसको भी याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है जी, तो याद रखिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में इसको मटासी मिट्टी कहते हैं। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। बाकी डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं क्लासेस वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी या कन्हार मिट्टी। तो अभी इसका जो बता दी हूँ आपको, लाल पीली मिट्टी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो है ये जो मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और जिसका जो यहाँ पे जो लाल रंग और जो पीला रंग है, लाल रंग जो कि फेरस ऑक्साइड के कारण इसका जो लाल रंग आपका होता है, पीला रंग जो कि फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग पीला होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से फसल की जाती है, तो इसमें जो है धान हो गया, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह जो खास करके इसमें जो मुख्य फसल इसमें किया जाता है लाल पीली मिट्टी में। स्थानीय नाम से इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको स्थानीय भाषा में इसको ये आपका मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें चूना की प्रधानता भी होती है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली आपका मिट्टी कौन सी है, तो ये आपका लाल मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी पाई जाती है रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा में, बस्तर में या बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ में जो गाभर मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके बस्तर में यहाँ पे गाभर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र हमारे जो है कितना प्रतिशत है, विस्तार देखेंगे 44.21%, 53%, 48% या 33%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वन क्षेत्रफल मतलब कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में पाई है, 44.21% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे इसका मतलब पाई जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। और अगर देखें 55,547 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे फैला हुआ है वनों का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ पे अचान कमार जो वन्य प्राणी जो अभयारण्य को किस सन में अभयारण्य घोषित किया गया था, 1980 में, 1975 में, 1960 में या 1981 में। तो इसको भी कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है कौन से सन में इसको अभयारण्य घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1975 में अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य को यहाँ पे अभयारण्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। और जो है अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है, मतलब ये आपका 1975 में से स्थापना किया गया है अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ में, यहाँ का मुंगेली जिला में है जो है आपका स्थित है। और के जो स्थापना है 1975 में स्थापना किया गया था, लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है अचान कमार जो वन्य जीव अभयारण्य है। ये आपका देश का कौन से क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2005 में इसको घोषित भी किया गया था, 2009 से इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अचान कमार के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा अचान कमार के बीचों बीच यहाँ पे मानियारी नदी यहाँ पे बहती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन से जीव पाई जाती है, तो इसमें बाघ वगैरह जो इसमें जीव जंतु यहाँ पे पाई जाती है। बाकी डिटेल से पढ़ाए हुए, डिटेल से पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। दस हज़ार, 11,000 या इससे अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में वनोत्पाद जो यहाँ पे आधारित इकाइयाँ लगभग 10,000 है, तो इसको याद रखिएगा। वनोत्पाद आधारित जो इकाइयाँ हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 5, 7, 9 या 11? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे पाई जाती है, तो 11 वन्य अभ्यारण्य यहाँ पे पाई जाती है। तो आपका पहला ये आपका तमोर पिंगला, तमोर पिंगला के बाद आपका सेमरसोत, सेमरसोत के बाद आपका बादलखोल, गोमर्दा, बारनावपारा, उदंती, उदंती के बाद आपका सीता नदी, अचान कमार, इसके बाद आपका भोरमदेव हो जाएगा, बी से भोरमदेव, और बी से आपका एक भैरमगढ़ है, और 11वां आपका पामेड़ है। तो टोटल यहाँ पे 11 अभ्यारण्य यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो छत्तीसगढ़ में मतलब कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी वर्तमान में, 2, 3, 4 या 5? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा है, तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है पहला हो गया, और इसके बाद आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका कैसे कांगेर घाटी, तो ये आपका 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें इंद्रावती मतलब ये आपका जो है गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका, इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, ये आपका जो है सबसे विस्तृत लगभग 1441-42 के वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और इसके बाद इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचान कमार या आपका पामेड़ अभ्यारण्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोर पिंगला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका तमोर पिंगला हो जाएगा। कौन से जिले में स्थित है तमोर पिंगला, तो याद रखिएगा, तो आपका जो तमोर पिंगला है ये आपका जो है सूरजपुर में जो है आपका ये स्थित है तमोर पिंगला, और इसकी जो स्थापना है 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, और आपको लगभग 600 से ज़्यादा मतलब 608-10 वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है, और इसमें खास करके कौन से वन्य जीव पाई जाती है, तो नील गाय, याद रखिएगा नील गाय जो है इसमें ये तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। यहाँ ये छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो इसको आपको याद रखना है, और सबसे प्राचीन आपका सीता नदी है, तो इसको याद रखिएगा, जो कि धमतरी में है, ये आपका सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ना है तो आपको जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती या आपका बा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बादलखोल जो है आपका जो है ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका बादलखोल जो अभ्यारण्य है आपका कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा जसपुर जिला में स्थित है। 1975 में जो है इसकी स्थापना किया गया है, मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य इसीलिए कहा जाता है, और जसपुर में जितने भी वन वगैरह है सबसे ज़्यादा वन वहीं पे पाए जाते हैं, वनों को डाब के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये तो आपका सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा तमोर पिंगला, जो कि सबसे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, बाकी चलिए अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा मैं, तो चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे पूछा गया था सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आप तो बादल खो गया, तो यहाँ पे ये जो है सबसे नवीनतम, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका भोरमदेव, याद रखिएगा भोरमदेव है जो अभ्यारण्य है, भोरमदेव मंदिर के नाम पे जो इसका नामकरण किया गया है, कहाँ पे है, तो ये आपका कवर्धा जिला में स्थित है, और जो है 2001 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, 165 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे निवेश नवीनतम अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, कवर्धा में है, 2001 में इससे स्थापना किया था, मात्र 165 वर्ग किलोमीटर फैला है, तो यहाँ पे ये आपका भोरमदेव जो कि मतलब ये आपका कवर्धा में है, और सबसे जो निवेश सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा।
तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे और वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए है सेशन को आज हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा, पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।